उद्योग है, उद्योग लगने की उम्मीद का बायकॉट उनको नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज बिहार विधानसभा में उद्योग विभाग का बजट पेश किया गया। आपको बता दें कि बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने जब वो बिहार विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे, उस बीच विपक्ष के नेताओं के द्वारा खूब नोकझोंक हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष में, जिसके बाद हमने बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि विपक्ष को आज सदन की कार्रवाई के बीच वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि ये उद्योग विभाग का बजट नहीं पर ये उम्मीदों का बजट था। इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। कि उद्योग का जो बजट था उसको पारित किया है, ऐसे बहुत सारे बजट आ रहे हैं, विपक्ष के लोग है, उद्योग लगने की उम्मीद का बायकॉट उनको नहीं करना चाहिए। जब उम्मीद हो, मैंने शुरू में ही कहा कि ये उद्योग मंत्रालय नहीं है, उम्मीद का मंत्रालय, और उम्मीद बहुत है, अपेक्षा बहुत है। मैंने जो अपना भाषण है वो सदन के पटल पर पूरा रखा है, वो तो मेरे भाषण का अंग होगा जो आपको उपलब्ध होगा। लेकिन बिहार 14 करोड़ बिहारियों की उम्मीद का ये बजट है। 14 करोड़ बिहारी ही नहीं, जो नॉन रेसिडेंट्स बिहारी हैं, जो पूरे देश दुनिया में हैं, मैंने उनको अपनी सरजमी और जन्मभूमि पर आमंत्रित किया है। बिहार के लोग सिर्फ मजदूर नहीं हैं, अब दुनिया में कई जगह वो मालिक भी हैं, तो वो आकर बिहार में उद्योग लगाएं। हमने कहा है कि जो ज़मीन चीनी मिल की है बियाडा की, उसको हम देरी नहीं करेंगे, बल्कि एथेनॉल के बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बहुत प्रस्ताव हैं, और हमने ये भी कहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। डोभी के पास हमने जो इंटीग्रेटेड पार्क है उसके लिए पिछले कैबिनेट में ही 400 करोड़ रुपए मिले, और 1600 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार की है, जितना भी करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, और उसमें केंद्र सरकार भी बराबर का सहयोग करेगी। मेरी केंद्र में सबसे बातचीत हुई है, पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के नाते कल मैं बंगाल और केरल के उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कमेटी की बैठक के लिए दिल्ली गया था, फिर मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने पूरे सदन से और बिहार की जनता से कहा है कि आप उम्मीद रखिए, आपकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का कहना था कि जो बजट आज मैंने बिहार विधानसभा में पेश किया है, ये बिहार वासियों के लिए उम्मीदों का बजट है। उन्होंने साफ तौर पे यह भी बताया है कि जब उद्योग बजट का आज मैंने बजट पेश जब किया बिहार विधानसभा में, तो ऐसे में बिहार वासियों की उम्मीद जगी है कि बिहार में जो औद्योगिक क्रांति है वो आएगा। ऐसे में साफ तौर पे उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी है कि जिस दिन और भी जब विभागों का बजट पेश होता है तब वो सदन की कार्रवाई के बीच वॉकआउट नहीं करते हैं, पर जब आज उम्मीदों का बजट पेश किया गया तो उन्होंने बिहार विधानसभा की कार्रवाई के बीच ही वॉकआउट कर दिया है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।